हेलो गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग हाँ रिली पढ़नी चाहिए भाई तुझे गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग कैसे हैं भाई सब लोग देखिये जरा कौन आ गए हमारे बच्चे हमारे बीच में थिंक पॉजिटिव क्लास कब स्टार्ट होगी क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड अभय पांचाल इवनिंग आई एम पंक फॉर द लेक्चर गुड गुड जॉब वेरी बस ऐसी बच्चे चाहिए हम लोगों को जय जयप्रकाश शिफक फारूक सतीश कुमार सानिया अच्छा मेरा चश्मा बाहर रह गया चश्मा चश्मा टेक्निकल टीम काइंडली हमारा चश्मा दे जाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अच्छा ठीक है और बच्चे आ गए शेयर कर दिया ये शेयर कर दिया आगे क्वेश्चंस भी हैं ना तो क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो पता चलेगा जितने ज्यादा बच्चे होंगे मैंने आपको क्या ही बोला पहले कर भला तो हो भला है ना तुम्हारी तो सीट तुमसे कोई छीन के नहीं ले जाएगा राइट right? तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसने भी अच्छे से पढ़ाई करी दोनों को मिल जाएगी ऐसा तो है नहीं ना कि सारे एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं है ना तो शेयर क्या करो इसको है ना तुमको मैंने क्या सिखाया है बिकॉज़ दिस चैनल इज नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स है ना, इट इज अबाउट मेडिटेशन लर्निंग लाइफ संघे शक्ति कलयुगे क्या बोला तो संघे शक्ति कल मैंने क्या दैट तो? अगर आप इस युग में है ना द प्रेजेंट इरा जिसमें आप आगे जाना चाहते हो तो उसमें आपको संघ में चलना पड़ेगा संघ में चलने का मतलब है कि आपको ग्रुप में चलोगे तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी बजाय जब आप अकेले चलोगे उदाहरण के तौर पे कि आप अकेले भी तो पढ़ने बैठते हो आपको बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन के आप नोट भी पड़े हुए लेकिन उस पढ़ने में अकेले में और यहां लाइव क्लास में पढ़ने में मैम के साथ में कितना फर्क है बताओ मेरे को मजा आता है ना हाई मिलता है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हाई मिलता है कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हाई मिलता है ठीक है ना वही सेम अकेले कर रहे हो वही यहां मैम के साथ कर रहे हो ग्रुप में फर्क आता है ना so, जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा अच्छा राइट डॉक्टर रितु सिंह तुमने नाम चेंज कर लिया अपना मैम ने बस डॉक्टर बनाया मुझे मैम मैं डॉक्टर बन जब बन के दिखाऊंगी वेरी गुड आई लाइक दैट चलिए डबल दिखाई दे रहा अब नहीं दिखेगा डबल दिखाई हाँ अब नहीं दिखेगा डबल फिर रेडी है सब लोग फिर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वॉम वेलकम जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आ, काफी बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे हेलो गुड इवनिंग नताशा अभय पांचाल को मैंने अभी पहली बार देखा है या फिर हो सकता है पहले से ज्वाइंट है तो मैंने इसको पहले देखा नहीं होगा तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा और मैं नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और नीट के इस पूरे के पूरे प्रोफेशन में पिछले 12 साल से हूँ इट्स इन 12 इयर्स ठीक है और काफ़ी बार इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ा चुकी हूँ काफ़ी बच्चों को डॉक्टर बनता हुआ देख चुकी हूँ काफी बच्चों को जो सिंसेयर नहीं थे उनको रहता हुआ भी देख चुकी हूँ तो गलतियां पता है कि जो आपको नहीं करनी है राइट right? तो खैर okay, और यहां पे अगर तुम आए हो तो यू विल चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के और देखते हैं कि पहले से आपको कितना आता है ठीक है तो चले स्टार्ट करें सिलेक्शन पक्का है इस बार बिल्कुल बस इसीलिए तो हम मिले हैं फिर यहां पे चले स्टार्ट करें चलो लेट अस जस्ट स्टार्ट लेट अस जस्ट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्टीन के स्ट्रॉन्ग एम एन एम फैमिली के लिए सबको बहुत बहुत बधाई आगे जाने से पहले आप ही बच्चों का सब कुछ यहाँ पे योगदान है इस सब चैनल को बनाने के लिए इसी वजह से हम लोग उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है इसके है ना आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं अफोर्ड कर पाए किसी अच्छे कोचिंग में जाना या कोई ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे आसपास है ही नहीं ऐसे रिसोर्सेस तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों एंड अत तह दिल से एंड मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं बस ऐसे ही आगे चलते रहना तैयारी अपने करते रहो लोगों की मदद करते जाओ तुम्हारे को भी मदद वापस आएगी दैट इज फर्स्ट और सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू दिस इज योर चैनल मैंने आपको पहले ही बोला दिस इज नॉट माई चैनल आई एम जस्ट स्टैंडिंग है डूइंग माई जॉब दैट्स इट या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी या चलो अभी आई नो तुम्हारा 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 जो टाइम है बहुत ज्यादा प्रीशियस है तो चलिए शुरू करते हैं लव फ्रॉम बनारस लव फ्रॉम डेली तो चलिए शुरू करते हैं चलो लाइक कर दिया वीडियो को चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया ठीक है कल वाला वीडियो देख लिया था ना सेवन मंथ्स प्लान का तो वो गलतियां नहीं करनी है ठीक है और जो जो मैं बोल रही हूं वो वो करना है ठीक है चलो सो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की तो मैं कहानी में थोड़ा सा पीछे जाऊंगी बिकॉज uh, हम लोगों ने पिछले भी एक चैप्टर पिछला जब हम चैप्टर कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसिस उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमने छोड़ा था तो मैंने और डॉक्टर रितु ने हमने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था कि मैंने है ना हमने सपोज किया था कि डॉक्टर रितु हैज़ बिकम डॉक्टर और उसके पास में पेशेंट आया था डायबिटीज़ वाला है ना बहुत जिसको डायबिटीज़ है इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए था तो हमें इंसुलिन बनाना था तो क्या क्या नहीं हमने किया है ना वेक्टर्स उठाए होस्ट उठाए ठीक है ना सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से देखा कि अपना काम हुआ है कि नहीं हुआ है ब्लू वाइट कॉलोनीज के बारे में बात की ये सब चीजें हमने की ध्यान से सुनना मेरी बात को तो ये सारा का सारा ताम झाम जो था जो मैंने और डॉक्टर रितु ने किया ये क्या था दैट वॉज द अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस दैट माई डियर चिल्ड्रन वॉज द अपस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग आपने सुना है दो चीजें आप सुनोगे बार बार इस चैप्टर में दोनों में यूज़ है। one is one is streaming. Streaming क्या है, है? तैयारी कैसे करी है जब आपका फाइनली एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा ना उसके बाद जब उसको मार्केट करने जाओगे तुम बेचने जाओगे दैट माई डियर चिल्ड्रन इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है जब आप उसको मार्केट में उतार दोगे राइट right? लेकिन उससे पहले की जितनी भी प्रक्रिया है उसको बनाने की प्रोडक्ट को बनाने की जीएमओ को बनाने की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने की उसको हम क्या कहते हैं अपस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ठीक है भाई समझ बात सबको तो इसको याद कर लोना है ना जैसे कि सपोज हमने क्या लिखा था अपस्ट्रीमिंग प्रोसेसिस में क्या क्या होता है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को हमने जैसे कि शेक फ्लास्क में रखा था फिर लैब स्केल बायो रियक्टर्स में डाला बायो बायोक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी मैं फिर इंडस्ट्रियल्स के लैब बायो रिएक्टर्स में बता बायोडाला ठीक है देन उसको हमने वहां से निकाला ठीक है फिर उसको प्योरिफाई किया फिर बिकॉज ऐसा थोड़ी तुम कि तुम सपोज कि कोई शैंपू बना रहे हो है ना तुमने आज कोई शैंपू बना दिया तो शैंपू बना के तुम एकदम से मार्केट में नहीं उतार सकते हो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा टेस्ट करना पड़ेगा पहले सो दैट टेस्टिंग रिक्वायर्स सबसे पहले जो है जैसे कि कोरोना की वैक्सीन बनी थी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अचानक से उसे मार्केट में उतर गई थी नहीं नहीं उसको पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है फिर उसको जो है बहुत बीमार लोग होते हैं जो कि डेथ वर्ज पे हैं जिनका मरना निश्चित ही है सबका मरना निश्चित है बट वो थोड़ा जल्दी मर जाएंगे उसका टाइम पीरियड फिक्स हो चुका है वो डेडली डिजीज उनको कोई हुई है तो उन उनपे टेस्ट करते हैं फिर ऐसे करते 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 फिर जो है जब एकदम पूरा विश्वास हो जाता है देन उसको जो है मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में लाने से पहले की जितनी भी प्रोसेस है उसको हम लोग अब स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं समझ समझे मेरे बच्चे राइट यू आर दैट ना फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए ये तो सब याद ही हो जाता है क्यों डॉक्टर रितु जी बोले कि मैम लालच मन में आ गया ज्यादा पैसे देख के है ना आ जाता है लालच ऐसी वो बात नहीं है कि वेन यू सी सच अमाउंट ऑफ मनी तो आ गया लालच मैम ऐसा करते हैं ये तो हमने बनाया तो इसको ना हम अपने पास ही रखते हैं सरकार को क्यों देना है बट माई डियर चिल्ड्रन हमारे पास तो लैब स्केल थे, जिसकी कैपेसिटी कम कम से लीटर थी बड़ी बड़ी टंकियां, जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट रन कर रहे थे जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया e. को भर दिया है तो ऐसे नहीं चल सकता हमको चाहिए बायो रिएक्टर्स इंडस्ट्रियल स्केल रिएक्टर्स जिसकी कैपेसिटी कम से कम भी थाउजेंड लीटर हो वो हमें सरकार या कोई बहुत बड़ी कंपनी दे सकती है राइट सो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी तो दैट माई डियर चिल्ड्रन दैट विल हैपन इन द थाउजेंड लीटर बायो रिएक्टर्स राइट बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको uh, कल नहीं बताया था मैं बता देती हूं ये एक स्टेनलेस स्टील लार्ज टैंक्स होते हैं बड़े बड़े टैंक्स जिसके अंदर में क्या होता है हमारे टेम्परेचर पीएच

So that, children, so, बड़े -बड़े स्टील की ये आपके दो तरीके के होते हैं एक होता है ठीक है, जो ये आपका सिंपल है ना ठीक है थीके? तो इसमें अगर आप इसमें देखो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं खाली इसमें मैंने आपको बताया था ना वो जो आप बटर चर्न करते हो मदानी कहते हैं जिसको पंजाब में हिमाचल में बाकी जब जगह मुझे पता नहीं कि मधानी कहते हैं मधानी मतलब कि ऐसे ऐसे उसको चर्न करते हैं बटर को तो ये जो है इसमें सारे के सारे मानो आपका इक्वल आई यहां पे है ये सारा कुछ आपने अपने बैक्टीरिया इसमें डाले हुए हैं जो कि आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको आप घुमाते रहोगे ऊपर से मोटर आप इसको हाथ से नहीं घुमाओगे मोटर लगी है इसको घुमाने के लिए और ये क्यों घुमाना है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस इसपे कई सारे क्वेश्चन आते हैं आपको सुनना ध्यान से सुनना उट रियक्टर पूरे के पूरे बायो रियक्टर में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो एकदम बराबर रहे क्योंकि अरोबिक कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया अरोबिक है तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं इस मधानी को या वट एवर यू कॉल इट द स्टर यहां पे इस वाले रिएक्टर्स में सेम काम वो एयर बबल्स करते हैं यहां यहां से जो यहां दिख रहा है ना आपको ये यहां से वो एयर बबल्स एयर पुश कर रही है तो जैसे एयर बबल उसको आ रहे हैं तो वो वो भी पूरा पानी मिक्स होते रहता है ऐसे ऐसे करके वो भी काम हो रहा है ये रहा है ना बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया लिखा हुआ है यहां पे ठीक है तो सेम ही बात है खैर तो ये है आपके दो बायो रिएक्टर्स जो आपको Lab में कल्चर करना मुश्किल है इसलिए आपको थाउजेंड लीटर के बड़े बड़े चाहिए होते हैं जिसके लिए आपको या तो गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए या तो किसी बड़ी कंपनी की हेल्प चाहिए ठीक है सो so, ये सारी प्रोसेस मेरे बच्चे ये क्या है है दैट इज ना ठीक लेट हो गया कोई बात नहीं एयर बबल्स का भी यही यूज है एयर बबल्स का भी यही यूज है बेटा उसमें क्या है कि फूक मार रहे हो ना तुम तो इसमें जैसे तो पानी जो है उसमें एयर जो है बराबर मिक्स होते चले जा रही है जो काम वो स्टीर कर रहा है ना घुमा घुमा के वो एयर बबल्स का वो पुश कर रहा है पूरा है ना जैसे वो पिचकारी मार रहा है बेसिकली तो पिचकारी मारने से भी तो पूरा पानी जो है होते रह रहा है लाइक लाइक दैट तो स्पाज में एयर बबल्स स्टीर में स्टीर मधानी हम कहते हैं ठीक है ना लाइक like दैट ठीक है समझ आ गया सबको तो ये पिछले चैप्टर की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है इसको छोड़ दो डाउन स्ट्रीमिंग क्या है अभी अभी तुम डाउन स्ट्रीमिंग है बहुत सारे बच्चों को ना इसके बीच में मतलब ही नहीं पता होता है कि इज इज तो क्या नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड निकाल लिया गया उसको बायो रिएक्टर से निकाल लिया गया बाहर ई को लाई से इंसुलिन को मानो निकाल लिया गया बाहर ठीक है उसको आइसोलेट किया प्योरिफाई किया हमने मॉडिफाई किया हमने सब्जेक्ट टू रिग्रेस क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल चेक किया कि इसके हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है सपोज शैंपू है ऐसा शैंपू तो नहीं बना दिया जो बाल गंदे ही हो हो जा रहे तुम ऐसा भी नहीं होना चाहिए है ना, Rabbit, है ना? Rabbit, जो खरगोश है ना सबको तो अपस्ट्रीमिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में कोई डाउट तुमको नहीं रहना चाहिए इससे पहले अपस्ट्रीमिंग उससे पहले डाउन स्ट्रीमिंग करेक्ट है करेक्ट हो गया ठीक तो अब चलते हैं हम अब हम अब हम किसको बनाएंगे अपना गिनी पिक किसको बनाएंगे अगले 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 उसके लिए अगले चैप्टर के लिए कौन कॉनमी वॉलंटियर जो मैम के साथ अगले अगले, अगले चैप्टर की जर्नी में जाएगा पहले तो डॉक्टर रितु का बहुत बहुत धन्यवाद शी हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल एंड उसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर लर्न हो गया यार बताओ अब अगले चैप्टर पे आते हैं हम लोग ठीक एक एक सेकंड में बुक लाना भूल गई अपना एक सेकंड बताओ बताओ चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा बुक हाँ कुछ पार्ट हाईलाइट किए हैं ना मैंने इसमें हाँ बताओ मी 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 अब पांचाल जतिन धैया अच्छा ठीक है कोई फेवरेटिज्म नहीं है जो रैंडम नाम आएगा मैं नाम उठा लूंगी मैं हूँ अगला डॉक्टर मैम रिग्रेस रिग्रेस मतलब कि जिसमें कोई मतलब पूरी बेरहमी से मतलब कोई भी बेरहमी तो नेगेटिव वर्ड हो गया मतलब कोई एरिया ना अनटच नहीं छोड़ना जैसे कि है ना कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं कोई एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपकी एक भी चूक हो जाए चूक नहीं होनी चाहिए बेसिकली बात यह है रेडी फॉर दिस चैप्टर जतिन भई दीवानश ऋतु इन पॉजिटिव आदित्य फि, फिजिक्स का भी बताएंगे बेटा चलो तो सबसे पहले तो इसी चैप्टर का करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशंस में चलो तो हम यहां पे ले लेते हैं दीवानश को लेते हैं चल दीवानश चल मैं हूं अगला डॉक्टर चल तेरे को बना दिया हमने डॉक्टर चल मान तू बन गया डॉक्टर तो मैं और दीवानश है मैं तो अपने आप को बोल ही सकती हूँ ना मैं तो हमेशा एचोटी रहूंगी है ना <laughs> तो हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अब हमारे पास में डाउन स्ट्रीमिंग के बाद में प्रोडक्ट आ चुका है अब हम इस प्रोडक्ट के साथ में क्या करने वाले हैं सबसे पहले बेटा बायोटेक्नोलॉजी में आप यह समझें कि क्या क्या जो है वो आता है इंक्लूड क्या क्या होता है नाउ लिक लुक एट दैट बायोटेक्नोलॉजी किस किस चीज के लिए यूज होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स के लिए ठीक है ना जेनेटिकली बायोलॉजी है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोस फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज करके हम लोग जो बायो फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल सब जानते हैं ना मेडिसिन बनाना एंड ऑल ठीक है अब किस किस चीज में एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले थेरापेटिक्स थेरापेटिक्स क्या क्या मतलब है थेरापेटिक्स एक ऐसी चीज है जैसे कि सपोज इंसुलिन है कहां बताए मतलब, जरा लिखो चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखो कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कहां बनता है कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है चलो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कमाल कमाल इंसुलिन बनाने में कौन सा ऑर्गन हमारा हेल्प करता है इट इज हाँ लिखो लिखो शाबश तब ये तो क्वेश्चन सबको आता होगा इट इज पेंक्रियास राइट पेंक्रियास तो पेंक्रियास क्या बोलता है इंसुलिन बनाता है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है लेकिन कई दफा इंसुलिन जो है बॉडी में नहीं बन पा रहा है तभी पेशेंट को जो है डायबिटीज हो गया है ना अब तुम ये देखो कि अब हमको जो है मैंने और डॉक्टर ऋतु ने पिछले चैप्टर में इंसुलिन बनाया था दैट इज वन थ्यूराप्यूटिक जो चीज नेचुरली अकर करती थी लेकिन हमने उसकी जरूरत

थोड़ा फैल रहा है कल हम वीनस को टच करने वाले हैं परसों हम मरकरी के पास पहुंच जाएंगे ऐसा तो नहीं सुना तुमने ठीक है फिर उसके बाद हम चांद चांद को, चांद को से भी बड़े ऑलरेडी बड़े हैं उसको हम लोग उसके ऊपर हो, हो जाएंगे ठीक है उसके पास पहुंच जाएंगे ऐसा तो नहीं है राइट right? हाँ तो ये देखो तुम तो, तो उसको बनाने के लिए हमको जेनेटिक्स का यूज चाहिए था मतलब कि उसके बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत हमें वहां पर Processed food, है ना जैसे कि प्रोसेस्ड फूड आपको इंडिया में तो कम यूज होता है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तुम देखो तो लैग हो रहा है क्या नहीं यार तो नहीं हो रहा हाडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन तो ये आपको क्वेश्चन जो है ना बेटा यहां से एसट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस किस चीज में यूज होता है ये राइट right? तो किस किस चीज में बोला Therapeutics में डायग्नोस्टिक्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड बायो रेमिडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज दैट क्लियर टू ऑल है ना ये सबको क्लियर हुआ यस और नो यस ये सबको क्लियर हुआ यस और नो टेल मी रेमेडी क्या होती है रेमेडी होता है इलाज बायो रेमेडी क्या हुई जो बायोलॉजिकल तरीके से इलाज हो जाए जिस चीज का बायो रेमेडी है ना जिसमें हम लोग को एलोपैथी का यूज ना करना पड़े कोई केमिकल का यूज ना करना पड़े बायो रिमेडिएशन ठीक है ना हाँ ठीक है ना बायो रेमेडी रेमेडी क्या होता है रेमेडी होता है इलाज करना किसी चीज का विदाउट यूजिंग द केमिकल्स और विदाउट यूजिंग द दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज बायो या तो अभी आगे चलते हैं ये बोल रहा है कि नाउ थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर ये आपको पहले भी पढ़ के आ चुके हो मैं दोबारा आपको बता देती हूं कि क्या है इसमें प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर इंजाइम ठीक है ना आपके पास में कोई बेस्ट कैटलिस्ट आप जानते हैं क्या इंजाइम की बात कर रहा है तो ऐसा कोई बेस्ट हमारे पास में इंजाइम होना चाहिए इंप्रूव्ड क्वालिटी का नंबर वन ठीक है ना क्योंकि अगर तुम कोई वाहियात सा इंजाइम ले रहे हो उसी पे काम करो फिर फायदा नहीं है ना कोई बिकॉज प्रोडक्ट हमें पता है आने नहीं वाला ढंग का दैट इज वाई ठीक है ना फिर क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग अब तुम यहां से सहारा डेजर्ट में जाके बोलो कि हम यहां से वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन वो तो बेवकूफी हो गई ना बिकॉज वहां पे ऑप्टिमल कंडीशंस ही नहीं है तो ऐसी ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन करके रखना जो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम वो हो राइट ठीक है नाउ एंड थर्ड इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया कि प्योरीफाई करके उसको फिर मार्केट में लेके आना तो ये तीन चीजें हैं जो कि रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी में है ना कई बच्चे मुझे पूछते हैं बाद में कि मैम बायोटेक्नोलॉजी में ना क्या एरिया है इसमें हम लोग कर सकते हैं आगे कुछ की नहीं कर सकते हैं ने?

समझ आ गया सबको डन अच्छा हो गया ये दिस इज डन अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यहां पे इसको लिख लेती साइड में कैसे लिख लेती कि क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ है ना मैं आपकी जगह होती तो मैं यहां पे लिख लेती इसको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी नंबर वन है आपका यहीं से देख देख के लिख रही हूं मैं मैंने ऑलरेडी बुक में लिख रखा है तो मैं आपको यहां से बता देती हूँ थेरापिटिक्स यहाँ पे मैंने बता दिया आपको थेरापिटिक्स का क्या मतलब होता है दूसरा हो गया आपका डायग्नोस्टिक्स डिजीज को डायग्नोस करना जिसको नहीं पता है वो यहां पे लिख लेगा साइड में नंबर तीन हो गया जीएमओस है ना जीएमओज मतलब जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स और नंबर फोर पे फाइव पेब्लिक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं प्रोसेस्ड फूड के लिए यूज करते हैं लाइक दैट तो यहां पर आप एक लिस्ट बना सकते हो ठीक है डन डन हो गया ये हाँ सो दैट दैट इज इज इट है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सो इस तरीके से आप लिख लो साइड में तो आपको बाद में याद रहेगा कि अच्छा इसका ये मतलब था है ना? अच्छा नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर बिकॉज हमें मेजरली इसी पे फोकस करना है ठीक है अब देखो जैसा कि मैं आप मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में पॉपुलेशन और इंडिया और चाइना जो तो सबसे आपको पता है नंबर वन पे हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नाउ व्हाट हैपन इज कि पॉपुलेशन तो बढ़े जा रही थी बढ़े जा रही थी लेकिन अर्थ का तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा था तो हमें क्या करना था फूड प्रोवाइड करना है है ना वी हैड टू प्रोवाइड फूड मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ बेटा आई हैव कम बैक ऑन दैट मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये कुछ भी नहीं है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है नाउ अभी हम लोग का एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है तो शुरू शुरू में ना शुरू शुरू में हमने क्या किया ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो था वो हमने उस पर काम करना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई थी तो जितने मर्जी केमिकल्स दुनिया में थे हमने फटाफट -फर्ट से उसके फर्टिलाइजर्स बना के अपनी पैदावार बढ़ा ली कि सबको खाना मिलने लग जाए लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली आपने सुना है मैगनीशन हाउ से सेब खरीदा पेस्टिसाइड था उसमें गेहूं खरीदा गेहूं से आटा पिसवाया उसमें भी पेस्टिसाइड था वो भी खा लिया अब मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि बाकी चीजों को तो डाइजेस्ट कर रही है आराम से वो लेकिन वो उस केमिकल को डाइजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो नेचुरल नहीं है तो ना वो केमिकल डाइजेस्ट हो रहा है ना मेरी बॉडी उसको बाहर लेके जा रही है लेकिन बॉडी के लिए तो फॉरेन चीज है ना वो तो इकट्ठे हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है और एक दिन आके क्या करेगा किसी ना किसी भगवान ना करे तो ऐसे एक्स वाई जेड पर्सन को कि वो पर्सन का कोई ऑर्गन को डैमेज कर देगा बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं इसको राइट तो ये सब चीजें तब नहीं पताती हम लोगों को है ना लेकिन अब हम लोगों को पता है जैसे कि एक वो उठा था बीच में कि देसी घी नहीं खाना चाहिए है अब वो काटो खाओ तुम है ना वेस्टर्नाइजेशन का आया था ना बीच में तुम्हारे टाइम में तो फिर भी हम लोग अपने इंडियन कल्चर की तरफ थोड़ा सा वो हो गया लेकिन जब हम छोटे थे वन वी वर किड्स तो हमारे देश में बड़ा प्रभाव था वेस्टर्नाइजेशन का टू बी ओके यो 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 बनना है मुझे, है मुझे ना एवरीबडीज तो इंग्लिश गाने गाने इंग्लिश मूवीज देखनी अभी भी देखते हैं लोग लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है डूड बनना है है ना ये वो सब मतलब अभी भी तुम्हें बीबर के गाने सुनते हो तुम बट तुम अरिजीत के गाने भी सुनते हो सही कह रही हूं मैं राइट right? तो ये चीजों का प्रभाव हमारे हर जगह पे पड़ रहा था तो इन पे भी पड़ रहा था ठीक है ना तो नई नई चीजें साइड इफेक्ट पता नहीं है ये है वो है फिर बाद में तुम्हें जाके पता चलता है कि अरे बहुत डैमेज कर लिया लोकल फूड खाना सबसे अच्छी बात है घी खाना तो बहुत अच्छी बात है इंडियन फूड इज कंसिडर टू द बेस्ट फूड क्योंकि हम लोगों का फ्रेशली कुक्ड फूड होता है यू गेटिंग माई पॉइंट तो सिमिलरली सेम चीजों की वजह से ये जो थी चीज बाद में आउट हो गई हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड फूड पे कैसे आए हैं ठीक है तो एग्रो बेस्ड केमिकल जो था उसके बाद में फिर हम लोग इतना परेशान हो गए कि हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे आ गए बीच में ये भी चला था कि एवरीथिंग ऑर्गेनिक अभी भी बाजार में है कि तुम जाओ कि ये भाई साहब ऑर्गेनिक चीज है आपको ये नॉन ऑर्गेनिक चीज बीस रुपए में मिल रही है लेकिन जो ऑर्गेनिक टमाटर है वो आपको सौ रुपए किलो मिलेगा लेकिन जो नॉर्मल टमाटर है आपको पचास रुपए किलो मिल जाएगा अरे भाई क्यों क्यों मैं आपको बताती हूँ फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स तो है फ्री फ्रॉम केमिकल्स तो है सुनना मेरी बात को ध्यान से लेकिन इसमें एक लूप होल है इसकी यील्ड बहुत कम है यील्ड बहुत कम होती है फार्मर को बहुत मेहनत करके थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालने को होता है मिलता है समझ आ रहा है मेरी बात को या ठीक है ना तो ऑर्गेनिक कल, कल्चर जो था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो था वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके बाद में नाउ द थर्ड नंबर पे हम लोग आए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पे अब हम लोग बात करो बायोटेक्नोलॉजी की कि अब ये बोलता है कि अब हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को हमने अपनाना चाहा कि कुछ ऐसा कर दें कि केमिकल भी ना यूज हो फार्मिंग ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक रहे लेकिन हमारी पैदावार भी बढ़ जाए वाई बिकॉज द पॉपुलेशन इज रेगुलरली इंक्रीजिंग यार पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है खाना कहां से लाएंगे इतना समझ रहे हो मेरी बात को तो प्रॉब्लम तो बड़ी बड़ी है ना सॉल्व करनी थी हम लोगों को दैट इज वाई बायोटेक्नोलॉजिस्ट दे केम टूगेदर उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बनाते हैं और आज तक चल रहा है कितना सक्सेसफुल सक्सेसफुल है वो आप बाद में बात करेंगे हम लोग लेकिन ये बनाया हम लोग ठीक है ठीक है ना सबको समझ में आ रहा है देवांश ग अभी तरह रोल आने वाला है यहां पे तो ये सारी ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी लिखी हुई है मैं उसको बार बार नहीं पढ़ूंगी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको है ना ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लिखा है जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है केमिकल्स भी एक्सपेंसिव होते थे, थे फार्मर्स ले ही नहीं पाते थे इसको तो ये कहानी यहां खत्म हो जाती है फिर हम लोग किस पे आते हैं हम लोग आते हैं उस पर जीएमओस पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे ठीक है यहाँ पे देखो तो ये कहता है कि जैसे हम लोगों ने टिश्यू कल्चर डेवलप हुआ है ना एक्सप्लांट्स टोटिपोटेंसी का वर्ड आपने आपने इसका वर्ड का मतलब तो सुना ही होगा पहले से टोटिपोटेंसी टोटिपोटेंसी क्या होती है टोटिपोटेंसी का मतलब होता है टोटल पोटेंसी टोटल पोटेंसी का क्या मतलब हुआ कि एक छोटे से प्लांट से मैं एक पूरा बड़ा प्लांट छोटे से प्लांट से कह रही हूँ छोटे से सेल से मैं मल्टीपल प्लांट्स बना सकती हूं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है टोटल पोटेंसी है जिसकी ठीक है ना तो ये हमें फायदे होने लगे उससे है ना टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं तो टिश्यू कल्चर में हमने देखा कि एक्स प्लांट्स को ला के हम लोग एक्स प्लांट होता है जो बाहर से लाया गया है कोई प्लांट या सेल उसको हम लोग टोटी की हेल्प से एक छोटे से सेल से हम कितने ज्यादा प्लांट्स बना सकते हैं तो यहां तो हमें फायदा होने लग गया यहां तो हमें फायदा होने लग गया राइट या विशेष ये क्वेश्चन को आप ना कॉमेंट बॉक्स में डालना इसका क्वेश्चन का मैं आंसर तब वहां पर दूंगी ठीक है हाँ ठीक है ना एक सेकेंड ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना ये ये तुम्हारी बुक में है क्या ये पोर्शन बिकॉज़ मेरी बुक में नहीं है ये पोर्शन ये ये एक्स्ट्रा है कि किस किस की बुक में ये पोर्शन है देखा जरा चेक करना बिकॉज मेरी बुक में तो सीधा हम लोग यहाँ पे इस तरफ आ गए हैं अभी देखो तुम मान लो के मेरी बुक ही तो नहीं रही है खैर यहाँ पे नहीं है ना ये ये पोर्शन नहीं है ना देन जस्ट लीव इट इसको छोड़ो अभी फिलहाल के लिए मैं देखूंगी इसमें से अगर कुछ है जरूर, जरूरत का तभी आपको बताएंगे देर इज नो वो तभी मैंने सोचा मैंने कहा यार ये टोटी पटेन से तो मैंने पढ़ा नहीं मैंने हो सकता है मुझे स्किप हो गया होगा बिकॉज अभी मैं पढ़ती हूँ ना ऑलरेडी एवरी टाइम आई कम हेयर नो मैटर बारह साल से पढ़ा रही हूँ तब भी लेकिन पढ़ के आती हूँ भाई हमेशा ऐसी बात नहीं है न्यू और ओल्ड में दिक्कत है कोई बात नहीं इट्स ओके okay. तो इसको ऐसा करते हैं इसको अभी छोड़ते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी तुम पढ़ते हो वैसे उसमें है ना और मेरे को मैं ना क्लास के बाद इसको देख लूंगी अगर मुझे इसमें कुछ जरूरी लगा फिर देन आई विल टेक इट फ्रॉम हेयर अदरवाइज इसको अभी छोड़ते हैं ठीक है राइट चलो यहाँ पे आ जाते हैं सीधा यहाँ पे आते हैं इधर ये यह है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर अभी प्लांट बैक्टीरिया फन जाए यहाँ से है ना न्यू में है ना ये हाँ तो हम हम लोग अभी ओल्ड ही पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी तक ऐस कुछ चेंज नहीं आया है तो बट स्टिल इसको मैं पढ़ूंगी मुझे कोई जरूरी चीज लगी तो डोंट वरी आई विल टेल यू कि क्या करना है इसके बारे में ठीक है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी ना कि न्यू वर्ल्ड में कहा बीचों बीच एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है हुँ? खैर ग्रीन रेवल्यूशन तो है ग्रीन रेवलूशन तो हमने पढ़ लिया ना ग्रीन रेवल्यूशन तो पढ़ लिया हमने तो ग्रीन रेवल्यूशन हमने पढ़ लिया एक सेकेंड हाँ अच्छा ये मिनटे को बताया था कि क्या है

हाँ नहीं एनसीआर में वहां देख लेगी फालतू चीजें ही नहीं है सोच समझ के देखा करो ऐसा सीरीज देखो जो तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत कर रही है ऐसे फालतू चीज़ें मत देखा करो दिमाग में फालतू चीजें डालो ही मत यार ठीक है तो अगर काम का होगा तभी डालेंगे दिमाग में नहीं काम का डालेंगे ठीक है चलो चलो बेटा तो ये हमने पढ़ लिया है और एग्रोकेमिकल बेस्ड एनी बॉर्लॉक को नोबेल प्रीस प्राइज़ मिला था 1979 में बिकॉज उन्होंने ग्रीन रेवल्यूशन पे काम किया था खैर तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी एक्चुअली अच्छा बीटी कॉटन पे आ गए सीधा यहाँ पे चलो छोड़ो कोई बात नहीं देन देन विल कम हियर अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो बच्चे मेरे साथ पिछले साल पढ़े हैं तो उनको ये पता है कि आरअ्य इंटरफेरेंस का हमने कार्टून बनाया था तो वी विल स्टडी फ्रॉम हियर चलो ठीक है कैद आओ यार फिर जल्दी जल्दी मैं वही सोचू यार ये अचानक से क्या हो गया मैंने कहा चलो यार मैंने बच्चे क्या पता है? ये नया ऐड हुआ हो मैंने कहा कुछ हाँ ठीक है हाँ जी हाँ जी जी चलो ठीक है हाँ सो so, चलो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के क्या फीचर्स होते हैं इसपे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना पहली बात तो इस यहाँ पे काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं समझ आया हाँ हाँ, जिशान खान हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया है अभी अभी पढ़ो यहाँ पे है ना चलो वेरी गुड तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूजफुल इन मेनी वेज जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आर मानो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट एक सेकेंड में और थोड़ा उसको जूम कर लेती हूँ है ना अभी सही दिख रहा है ना मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसिस कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट एंड हीट जैसे कि मैं और डॉक्टर गंग, गंगवार डॉक्टर देवांश हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे या तो बहुत सर्दी पड़ रही है या तो बहुत सूखा पड़ जाता है कभी कभी और कभी कभी तो बहुत ही बारिश होती है तो मैं ऐसी वो बनाएंगे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा क्रॉप बनाएंगे जिसको फर्क ही ना पड़े इससे कोल्ड से ड्रॉट से सॉल्ट से हीट से, से कोई फर्क ही ना पड़े ठीक है दा दूसरा रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड ये तो हमें बिल्कुल बिग नो है ये तो हमें चाहिए ही नहीं है Chemical पे इसकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ठीक है ये post -harvest losses क्या होते हैं बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ये होते हैं जैसे कि वो आपने हार्वेस्ट कर लिया ठीक है आपने इसको कहीं गोडाउन में रखा है तो इसपे जो है खराब हो जाती है जैसे है ना फसल आपकी खराब हो गई जैसे पूरी की पूरी वो उसमें कुछ कोई कीड़ा लग गया वो खराब हो गया तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को खत्म करने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी लंबी हो ठीक है ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जैसे कि टमाटर है टमाटर को अगर आप तोड़ लो उसको शेल्फ पे रखो तो वो जल्दी सड़ जाता है ठीक है ना तो उसके लिए आपको फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया गया था जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है नॉर्मल से ठीक है देन उसके बाद में आप इंक्रीज एफिशंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स Uh, जैसे कि आपका आपका कोई घर पे पौधा है सपोज आपने उसको कितने सारे मिनरल जो है वो आराम से दिए हैं लेकिन द प्रॉब्लम कम्स कम्सर इज कि वो मिनरल ले ही नहीं पा रहा है आप उसको दे तो रहे हो सारे मिनरल्स लेकिन ले ही नहीं पा रहा है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सारे मिनरल जो है अपने अंदर ले ले देन आफ्टर दैट एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस विटामिन एंड रिच राइस इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लिखो सब लोग बायो इसको हम क्या कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चे कि जो आपके एग्जिस्टिंग फूड है उसमें आपने कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर दी है फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्डन राइस जैसे कि अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहां पे इतना वैसा नहीं है लोगों के पास में कि जाके बाहर से वो फल खा सकें जिसमें से कि विटामिन ए उनको मिल सके जैसे गाजर आपको पता है कि उसमें होते है। तो हमने क्या किया उसमें बायोफोर्टिफिकेशन कर दी राइस वहां पे स्टेपल फूड है स्टेपल फूड का मतलब होता है जो मोस्ट जनता खाती है तो हमने ना राइस के अंदर ही विटामिन ए बनने का जो प्रिकर्सर था वो डाल दिया बीटा कैरेटिन ठीक है दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फूड की हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया इसको हम क्या कहते हैं फोर्टिफिकेशन विटामिन एंड रिच राइस बना दी यहां पे तो ये जो पांचों पॉइंट्स बेटा आपको दिख रहे हैं यहां ये यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर कई दफा क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं समझ आ गया सबको डन बायोफोर्टिफिकेशन राइट चलिए नाउ हाँ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट उस पे. तो ये ये आपको समझ में आ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो क्यों बनाए जाते हैं है ना आप ये बोलो कि क्यों बनाए जाते हैं इज नीड जैसे कि कुछ भी कह लो कि आप स्कूल में भी तो आप सेम ही चीज पढ़ते हो लेकिन आप ट्यूशन जाने का क्या पड़ता है या फिर आप यहाँ पे आके दोबारा क्यों पढ़ते हो मैम के साथ साथ ठीक है ना रीजन है उसके पीछे है ना जैसे कि सपोज मान लो हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है या वहां पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है नीड के पॉइंट ऑफ से इज़ जब भी किसी चीज़ की नीड क्रिएट होती है तभी वो प्रोडक्ट बनता है ठीक है ना तो ये नीड थी जो कि हिंड्रेंस आ रही थी हिंड्रेंस आ रही थी हमारे ठीक है तो अब आके हमने इसको क्या किया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को बनाना शुरू किया ठीक है चलिए नाउ आज सो रहे हो क्या सब लोग एक ही बच्चा टाइप किया जा रहा है बाकी लोग तो टाइप कुछ कर ही नहीं रहे हैं है? इतने कम बच्चे बैठते हो तो तुम ये सोचो कि हमारे पास बात करने का बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे कि एक यू नो बिकॉज आप जो लिखोगे मेरे को इजिली विजिबल होगा यहाँ पे देन कीप राइटिंग योर डाउट्स एंड यू नो आप कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखते रहा करो ठीक है खैर तो अभी तक अभी तक आपको कहानी समझ में आ गई कि हमने क्या देखा हमने भी क्या देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में किस किस चीज़ के लिए यूज़ हम लोग करते हैं जैसे थेरापिटिक्स में मैंने बोल दिया ठीक है फिर एग्रिक एग्रीकल्चर में मैंने बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को डायग्नोस्टिक्स के लिए मैंने बोला था राइट है ना गुड 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 सानिया अजान रितु अभय वेरी गुड वेरी गुड हाँ ठीक है ठीक है हाँ करो फोकस करो राइट तो अभी तक हमने ये देखा फिर हमने ये देखा कि ये एप्लीकेशन चीज़ की लेकिन हमको किस पे फोकस मारना है हम फोकस मार रहे हैं अभी एग्रीकल्चर पे हम बारी बारी सब पे आएंगे थोरापिटिक्स पे भी आएंगे हम डायग्नोस्टिक्स पे भी आएंगे अभी हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हमने देखा कि यार ग्रीन रेवल्यूशन तो फेल हो गया भाई फेल तो क्या हुआ आज भी चल ही रहा है आपको पता है लेकिन अच्छा नहीं है है ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना फार्मर के लिए अच्छा है बिकॉज उसकी भी तो लैंड बर्बाद कर रहा है वो ना हमारे लिए अच्छा है फिर भी चले जा रहा है ठीक है दूसरी बात ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्यादा फायदा हुआ नहीं क्योंकि ईल्ड बहुत कम है तो महंगाई बढ़, बढ़ते जा रही तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको ठीक है और फार्मर को भी खासा कोई फायदा हो नहीं रहा है थर्ड हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे आए हैं अभी तो हम देखेंगे कि, कि ये कितनी सक्सेसफुल हुई है मार्केट में आज तक ठीक है ये कहानी सबको समझ देखो ट्रेल जो है ना एक बनना बहुत जरूरी है दैट इसके बाद में ये हुआ इसके बाद में ये हुआ इसके बाद में ये हुआ ठीक है डन चलो वेरी गुड है ना अपने को तो क्या है अपने को तो इतने बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ इसमें से पंद्रह के पंद्रह हूँ पंद्रह बारह भी बन जाए तो अपना काम तो हो गया ना राइट तो अपना काम हो गया तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जो हो यहाँ पे वो प्रेजेंट यहीं रहो ठीक है ना हाँ क्योंकि तो अच्छा कंटेंट तो मिल ही रहा है यहाँ पे ठीक है तुम अपना हंड्रेड परसेंट देते चले जाओ लेकिन यहाँ पे यू मेक श्योर ऑफ दैट ठीक है हम्म चलिए तो अभी क्या बोलता है कि अब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर की जैसे अब हम बीटी कॉटन की बात करते हैं है ना इसको हटाओ बीटी कॉटन की बात करते हैं तो बीटी कॉटन के बारे में जानने से पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है यहां पे साइड में लिखो हिंदी में लिखना इसको सबसे पहले आप इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं ठीक है ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना हाँ अभी तुमको तो 100 परसेंट अपना वो देना है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं हिंदी में लिखना है तुमने यहां पे ऐसे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो जो पेस्ट को पेस्ट को खुद ही किल कर सकते हैं खुद ही किल कर सकते हैं कैसे किल कर सकते होंगे कि पेस्ट उनको खाके मर जाता है है ना पेस्ट को खुद ही किल कर सकता अभी है, ये मत सोचना कि प्लांट के दो हाथ निकलेंगे है ना आंखों से आग निकलेगी प्लांट की ऐसा कुछ नहीं होगा उसको खाके है ना प्लांट को खाके खाकर जो है पेस्ट मर जाएगा मर जाएगा तो आगे उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी इसको समझना बहुत जरूरी है वॉट आर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स नाउ बी टी कॉटन माई डर चिल्ड्रन यू सी हेयर इज दैट सच प्लांट विच वॉज पेस्ट रेजिस्टेंट ठीक है भाई है ना अब हम लोग क्या कर रहे थे है ना डॉक्टर दिवांश और मैं क्या करते थे कि हम लोग एक काम करते थे जैसे हमने क्या किया था कि पहले केमिकल्स यूज करके हम लोग बना रहे थे तो मैंने आपको बोला जब बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई उसमें तो ज्यादा कोई फायदा तो हो नहीं रहा था तो हटाओ साइड में अब हमने क्या किया हमने प्लांट को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है ना प्लांट इसको पेस्टिसाइड फैक्ट्री बोल देते हैं प्लांट को पेस्टिसाइड फैक्ट्री बना दिया पर गलत सेंस में नहीं अच्छे सेंस में ऐसा कुछ मैंने अपने प्लांट के अंदर डाल दिया ताकि वो अगर कोई कीड़ा जो कीड़ा पेस्ट मतलब कीड़ा ही है ना कीड़ा है उसको खाए वो खुद ही मर जाए नेचुरल रेजिस्टेंट बना दिया बीटी कॉटन इस एस दिस वो क्रॉप एस सच एग्जाम्पल है उसका बीटी कॉटन है ना बीटी कॉटन आपको मैंने बताया था कि इंडिया में 2002 में इसका वो जो था वो पास हुआ था एंड uh, 2011 uh, में हमने कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर्स पे इसको पहली बार उगाया था आज के डेट में आज के डेट में इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है बीटी कॉटन का लुक एट दैट मतलब हम सबसे ज्यादा बीटी कॉटन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में ठीक है तो ये चाइना में इन चाइना भी का भी काफी इसमें बड़ा रोल है मतलब प्रोडक्शन में 1997 में हम चाइना ने हमसे पहले इसको लिया था और इंडिया ने 2002 में लिया था 2011 में हमने पहली बार इसको जो किया था एंड देन उसके बाद में हम लोग करते ही चले गए हैं इसको आज तक करे जा रहे हैं ठीक है रीजन भी कि इसको हमें खाना नहीं है पहनना है कपड़े पहनने ऐसे कॉटन कॉटन मतलब पहने कपड़ा पहनने के काम आ रहा है ना राइट right? हाँ तो ऐसा खैर अब वो चलते हैं कि अब देखते हैं कि बीटी कॉटन बना कैसे सबसे पहली बात है कि बना कैसे है ना हाँ इंडियन पावर या इट इज इट इज इंडियन पावर या ना तो अभी हम देखते हैं कि पहले तो ये बीटी है क्या वॉट इज दिस बीटी ये बीटी बीमारी क्या है वॉट इट इज इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी स्टैंड टी स्टैंड मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूं आपके यहाँ पे लिखी हुई है ये लिखी हुई है यहाँ पे थ्रू जेनेसिस है बीटी फॉर शॉर्ट तो ये एक बैक्टीरिया है लिखा है इसमें बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज बैसिलस थ्रू जेनेसिस इसके मैंने बहुत प्यारे नोट्स भी बनाए थे यार वेट यहाँ नहीं है Wait, यहां पे भी नहीं है इसका नोट्स बनाए हुए हैं बहुत प्यारे बनाए बने इसके यहाँ पे बने होंगे इसके नोट्स ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है हाँ राइट सो बीटी कॉटन क्या है बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग दैट व्हाट इज बीटी कॉटन बीटी कॉटन इज द ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया ठीक है ना ये मिट्टी में पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सॉइल बैक्टीरियम इट फॉर्म्स द एंडोस्पोरिन एंडोस्पोरिन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कैसा दिखता है एंडोस्पोरिन इस तरीके का दिखता है एंडोटॉक्सिन या बोलते हैं एंडोस्पोर से तो ये अगर सपोज ये आपका एंडोस्पोर है बेटा इस एंडोस्पोर के अंदर ये इसका एंडोटॉक्सिन है जो कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है कैसे फॉर्म में रहता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है ये एंडोटॉक्सिन तो बेथिलिस्ट थ्रू एंड जेनेसिस जो है बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है इट प्रोड्यूस एंडोस्पोर जो ऐसे दिखते हैं ये एंडोस्पोर के अंदर में एंडोटॉक्सिन है और एंडोटॉक्सिन क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है और ये इनएक्टिव होता है कई कबार आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेथिलिस््रू एसिस के पास में इतना सॉलिड

अब ये क्या करता है ये प्रोटॉक्सिन क्या करता है यहां से समझ लेते हैं फिर हम वहां पे समझना हमको आसान हो जाएगा ये प्रोटॉक्सिन या इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन या इसको इनएक्टिव टॉक्सिन भी कह सकते हैं हम लोग क्या करता है जब भी अगर सपोज प्लांट के पास में हमने बीटी जो है बीटी कॉटन है ना एंडोटॉक्सिन हमने उसमें डाल दिया प्लांट में किसी तरह से मैं बताऊंगी कैसे डाला है तो जब भी इंसेक्ट आएगा और इसको खाएगा तो इंसेक्ट की गट में जाते ही ये क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा क्यों? वाई बिकॉज वहां पे एल्कलाइन पीएच है इंसेक्ट के अंदर में जाके ऐसा क्या होता है कि ये जो एंडोटॉक्सिन है जो इनएक्टिव था पहले वो एक्टिव हो गया इसके लिए इसको एल्कलाइन पीएच बोले एल्कोलाइन मतलब बेसिक पीएच होती है उसके गट में गट मैंने उसकी इंटरनल इंटेस्टाइन में तो ये अब जो है वो एक्टिव हो जाता है ठीक है समझ आया सबको डन डन हो गया ये ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां पे कि नहीं हुआ तो एक्टिव टॉक्सिन अब क्या करेगा अगर सपोज ये आपके आ, जो मान लो कोई भी आपका बॉल वॉम है बॉल वार्म इसको करता है ना बॉल वम है ये जो कि कॉटन को खाने आया था इसने खा लिया कॉटन को अब इसके अंदर जो था ये चला गया टॉक्सिन अब सपोज ये इसकी इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन में ये पोर्स बना देगा छेद कर देगा इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन so, में छेद कर दिया इसने किसने टॉक्सिन ने ये जो एंडोटॉक्सिन था जो कि एंडोटॉक्सिन था यहां पे आके एक्टिव हुआ और इसने छेद कर दिए पोर्स बना दिए यहां पे इसकी इंटेस्टाइन में आके बोलबॉम की दैट इज वाई ये क्या करता है इस तरीके से ये उसको मार देता है ये क्लियर हो गया पार्ट सबको दिस एवरीबडी शुड बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट

स्वेलिंग होता है इनसेक्स स्वेलिंग नहीं होता है प्रियांशु पोर्स बनते हैं वैसे तो मैं बता बहुत ज्यादा एक एक स्टेप ऊपर चले उससे मैं आपको एक थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ वैसे वो पेपर में आने नहीं वाला है बट आ, बता देते हैं कोई बात नहीं मैं ये देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि वॉट इज द फिनोमिना एक्चुअली गट ऑफ इंसेक्ट में पोर्स कैसे बनते हैं है ना देखो Pores कैसे? मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा हाई लेवल मतलब ये आप कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर देगा ऐसा क्या ही हो गया वहां कि वहां पे पोर्स ही बन गए सपोज ये गट ऑफ इंसेक्ट है ना ये, ये और क्रिस्टल्स अंदर जा रहे हैं जो एंड्रोटॉक्सिंग थे क्रिस्टल अंदर जा रहे हैं दिस इज द एपीथिलियम ठीक है ध्यान से सुनना एपीथिलियम पे हमेशा ये हमारे भी अगर कोई सेल मेम्रेन होगी ना उसपे हमेशा चार्ज रहेंगे बाहर की तरफ को प्लस चार्ज होते हैं अंदर की तरफ को माइनस चार्ज होते हैं हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसको जब न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे बाहर प्लस साइन होता है अंदर माइनस साइन होता है ठीक है बाहर प्लस साइन सोडियम की वजह से होता है अंदर माइनस साइन पोटाशियम और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से होता है तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की थोड़ी तादाद थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए नेगेटिव साइन अंदर होता है खैर तो क्या बोला मैंने यहां पे पोटाशियम चैनल्स होते हैं अब ये पोटासियम चैनल्स क्या आते हैं कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं कभी, खुलते हैं, कभी बंद होते हैं क्यों किसकी वजह से कैडहेरिन प्रोटीन होता है यहां पे लगा हुआ है ना ठीक है तो कैडहेरिन प्रोटीन जो है ये बंद करता है इस चैनल को फिर कभी खोल देता है जब जरूरत होती है लेकिन ये भाई साहब जो क्राई प्रोटीन यहां पर आए ना बेटा है ना जो आपके क्रिस्टलाइन प्रोटीन यहां पर आए जो एंडोटॉक्सिन की वजह से ये इस चैनल को परमानेंटली खोल देते हैं क्या प्रोटीन को हटा के खुद यहां पे जुड़ जाते हैं और ये परमानेंटली पोटेशियम चैनल जो हैं वो खुले के खुले रह जाते हैं अब लोग क्या करोगे तो एज अ रिजल्ट पोटेशियम चैनल दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली दैट्स दैट वेपन अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस विल नॉट कम इन यू एग्जाम लेकिन आप थोड़ा अच्छा है एक एक लेवल ऊपर आपने वो पढ़ लिया बराबर बराबर ठीक है डन हो गया डन एंड डस्टेड है गुड जॉब आ रहा है ना मजा आ रहा है पढ़ के यस यस और नो है, है ना हो गया क्लियर हो गया और इसकी कहानी मैंने यहां पर बताई पत्ता पत्ते भी बना के फिर ये पत्ता जैसे जैसे ही मतलब कैटर पिलर इसको आके खाता है इसमें ऑलरेडी आपका बीटी है ये बीटी कॉटन है तो मतलब इसमें टॉक्सिन है ऑलरेडी तो ये जाता है कैटरपिलर इसको बॉलवॉर्म आके इसको खाता है इसके बॉलवॉर्म की गट में जाता है अल्कलाइन पीएच मिलता है प्रोटीन एक्टिवेट होता है और ये कहानी होती है उसके बाद में है है ना बस इंसेक्ट मर जाता डन इज क्लियर टू ऑल वेरी वेरी गुड गुड हाई हाई जोश हाँ एक तो, जोश एकदम चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन दबा दिया करो यार बिकॉज जब भी वीडियो आएगी ना तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा राइट एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया बैक्टीरिया के के अंदर अंदर बनता बनता है 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 उसी का पार्ट ना समझ आ गया ठीक कहानी हुई कैसे मैं आपको बता दी दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून के रखे आई लव लर्निंग फ्रॉम कार्टून लर्निंग फ्रॉम स्टोरीज बेस्ट पार्ट इज म्यूजिक ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए या तो स्लोली एंड स्टेडीली वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग दिस एवरी 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 सब्जेक्ट हम ठीक है आ, तो खैर अभी हम लोग इसको देखते हैं कि आ, अच्छा चलो आपने वैसे किसी ने पूछा नहीं मेरे से ये जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रे प्रियांशु हां अभी सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने कभी पूछा नहीं मेरे से है। है? ये और डॉक्टर देवांश ने किया कैसे हाउ डिड वी डू इट हमने किया कैसे इसको कि हमने जो BT, uh, cotton है, जो BT, जो बीटी बीटी कॉटन है है एंडोटॉक्सिन हमने डाला कैसे उसको प्लांट में आपने पूछा मेरे से आपने नहीं पूछा भी मेरे से लिखा हुआ है खैर वहां पे किस को पता है ऑलरेडी लिखो यहां पर बॉक्स में हाउ मेन यू नो इट ऑलरेडी कि मैम हमको पता है ऑलरेडी कि कैसे डाला है राइट right? Now, अगर नहीं पता है तो यहां पे हम जानते हैं चलिए तो यहां से कहानी शुरू होती है ये है हमारा क्राइजीन ये तो समझ में आ गया क्राइजीन तो हम कहां से लेके आए हैं ये क्राइजीन हम कहां से लाए हैं ये हम बीटी बैक्टीरिया बीटी बैक्टीरिया बैक्टीरिया से लाए हैं बैक्टीरिया से लाए हैं समझ आ गया ये हम बैक्टीरिया से लाए हैं यस yes, वैष्णवी को पता है गुड जॉब बाकी बाकी बच्चे सुन लो यहां पे तो हमने क्राई जीन जो कि एंडोटॉक्सिन बनाने का जो जीन है ये हम कहा से लेके आए हैं ये हम बैक्टीरिया से लेके आए हैं ठीक है ठीके? अब ये बैक्टीरिया वाला जीन को हमने हमने लिया और हमने एक बहुत ही प्यारा बैक्टीरियम चुना जिसका नाम था एग्रो बैक्टीरियम क्या नाम था एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जेनेटिक इंजीनियर याद है हमने कल किया था इसको हमने इसको लिया हमने इसको लिया हमने इसका टी आई प्लाज्मिट को निकाला ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिट को निकाला फिर हमने सेम रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्स मैं बार बार नहीं बताऊंगी हम कल कर चुके हैं कि कैसे काटते हैं इसको इसको हमने काटा और क्राइजीन को इस प्लाज्मिट में हमने ज्वाइन कर दिया ठीक है तो अब अभी टीआई प्लाज्मेट टी आई प्लाज्मिट नहीं रहा अभी क्या बन गया आर डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया क्योंकि दो डीएनए जोड़ दिए तुमने ठीक है एक फलाना डीएनए एक दूसरा डीएनए ठीक है नंबर वन नंबर टू हो गया चलो वेरी गुड अब हमारे पास ये तैयार हो गया टीआई प्लाजमेट अब हमने इसको दोबारा एग्रो बैक्टीरियम में डाल दिया ठीक है अभी हमने एग्रो बैक्टीरियम के पास में नेचुरल कैपेसिटी है सुनना मेरी बात को ध्यान से एग्रो बैक्टीरियम के पास में नेचुरल कैपेसिटी है ये प्लांट के पास में जाएगा देखो मुस्कुराता हुआ जा रहा है क्यों इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर अभी तो ये विलन लग रहा है लेकिन मान लो ये स्वीट है बेचारा वैसे तो तो ये जाके इसकी जड़ों को जाके नेचुरली अफेक्ट कर सकता है बेटा इसके पास में कैपेसिटी है ये नेचुरली जाके इस प्लांट की जड़ों को मान लो ये प्लांट आपका कॉटन था कॉटन का प्लांट था इसकी जड़ों को जाके इसने अफेक्ट किया और बड़े प्यार से क्राइजीन इसको डिलीवर कर दिया जो लेके आया था ये टीआई आई इसके अंदर टीआई आई था ना इट वाज दी टीआई प्लाजमेट हियर ये इसका टीआई टी था टी प्लाज्मिड प्लाजमेंट मैंने आरडीएनए था आरडीएनए इसको टीआई प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे आरडीएनए बोलेंगे तो आरडीएनए में से जीन निकाल के इसने प्लांट में डाल दिया ये क्लियर हुई बात या नहीं और जैसे ही जीन ने इसको इसमें डाल दिया ये जीन जो है अब ये क्राई प्रोटीन बना देगा क्या बना देगा क्राई प्रोटीन बनाएगा ये आप सब, आप सब जानते हो ना ये इतना जेनेटिक्स तो जानते हो तुम है ना तुम्हें पता है ना एक चीज को ध्यान से देखना यहाँ पे वेट आरएनए इंटरफेरिंग से आज ही आर एन हाँ आर एन आएगी तो आज करा दूंगी मैं आपको ध्यान से देखना यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन की तरफ देखना सी आर वेट सी आर वाई एंड सी आर वाई क्या फर्क है इसमें ध्यान से देखना इसका स्मॉल सी है ये कैपिटल सी है ये जो आपका स्मॉल सी वाला होता है दैट इज ऑलवेज जीन ठीक है ना और ये जो कैपिटल सी वाला है ना दैट इज आपका प्रोटीन आप तो जानते हैं जीन से ही प्रोटीन बनता है विद द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं जेनेटिक्स में पढ़ोगे इसको सेंट्रल डॉग्मा ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसलेशन होता है सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है आपका फर्स्ट स्टेप होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन है ना नहीं भी पता तो ये दो स्टेप भी पता चलेंगे तो पता चल जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है आपका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन होता है ठीक है ठीक ना ट्रांसलेशन से फिर एवरीबॉडी अंडरस्टूड तो क्राई जीन जो है ये अल्टीमेटली क्राई प्रोटीन बनाता है दिस ट इज है क्राइजीन है प्लांट ठीक है ना क्राइजीन हैज नाउ प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन और जैसे ही ये क्राई प्रोटीन आके उसको जो है ये आपका बैक्टीरियम सॉरी आपका बॉलवम आके उसको खाएगा यहां से उसकी गठ में जाएगा और उसके जाके ये हो जाएगा दैट माई डियर चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड ये बात सबको समझ में लगी कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई How मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट टेल मी इसके बाद हम लोग एक, एक पार्ट और करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाँ हा? आगे सबको समझ में लाजवाब चलो अच्छी बात है अगर लाजवाब है तो बहुत बढ़िया बात है फिर अरे बापू ठीक है तो इस पैराग्राफ में बच्चे यही लिखा हुआ है दैट और और दो तीन चीजें और लिखी हैं वो मैं आपको बताती हूँ दैट वॉट इट इज रिटन हियर सब कुछ हमें डन एंड कोई कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अगर कोई डाउट है तो फटाफट से बॉक्स में लिख के मेरे को बता दो नाउ अभी देखो इसमें इसमें क्या लिखा है जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी है वो मैं आपको बता देती हूँ और ये ऊपर वाले में भी तुम देखोगे तो ऊपर वाला भी वैसे मैंने क्लियर करा दिया इसमें एक्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने बीटी कॉटन है बीटी राइस है टोमेटो पोटेटो सोयाबीन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी मैं आपको बाद में लेकिन अभी नहीं अभी बीटी पे फोकस करते हैं तो ये कहानी आपको ऑलरेडी समझ में आ गई है वैसे तो ये किस पे काम करता है सबसे पहली बात है कि बैसिलस बैसलिसने का जो एंडोटॉक्सिन है वो किस पे काम करता है नंबर वन लैपिडोपट्रं नंबर टू कॉलियो एंड नंबर थ्री डेप ये आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप इसको साइड में लिख ले लैपिडोपट्रंस में क्या क्या आता है ठीक है ना कॉलियो में क्या क्या आता है

राइट ठीक है हाँ क्योंकि ये कौशन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में ओके okay? हाँ राइट right? बाकी सब इसमें लिखा हुआ है मैंने आपको सब बता दिया ये सब मैंने आपको ये बता दिया ये. आप कहानी पढ़ेगा वो समझ में आ जाएगा ये ठीक है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें ठीक है डन चले आगे इस फले पेज पे आ जाइए आप इस वाले पेज में मैं आपको जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे नोट करवाऊंगी हाँ डन 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 नाउ लुक at दिस पार्ट बेटा आप यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है एक में आपका कॉटन बिल्कुल इंटैक्ट है और दूसरे वाले में इसमें आपका इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है और डिस्ट्रॉय किसने किया है बॉल वॉर्म ने किया है कभी कभी आपको पिक्चर्स भी आ जाती हैं पेपर में यू नेवर नो ठीक है ना कल्पना समझ आ गया तो पिक्चर आपको पता होनी चाहिए और ये खराब होने की उसमें जा रहा है तो कौन सा ऑर्गेनिजम इसको अफेक्ट कर रहा है ऐसा कुछ आ गया बॉल कौन कर रहा है बॉल वर्म को बिलोंग करता है लेपिडोप्टोर को ठीक है खैर तो अभी कहता है कि आपका जो ये डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स काम करते हैं जैसे कि क्राई है ना मैंने बोला था ना कि स्मॉल सी है तो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉम कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं एग्जाम तो में डाल दूंगी क्वेश्चन बॉल वॉर्म पे कौन से जीन्स काम करते हैं अब यही जीन आगे प्रोटीन बनाएंगे तो क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी जबकि क्राई वन ए बी जो है वो कॉन बोरर को कंट्रोल करता है तो देखो वन ए बी दोनों भाई लेकिन दोनों बिछड़ गए हैं वन ए बी और वन टू ए बी टू ए बी जो है वो कॉटन बॉल पे है वन ए बी जो कॉर्न बोर पे है ठीक है ये क्या है वन एसी और ये टाइप ऑफ है, ठीक cry है ना फुलिस क्रिस्टल मेरे बच्चे ठीक है ना डन ये क्लियर हुआ सबको नो yes ठीक no? है तो बैसिलसूं की कहानी सबको समझ में आ गई है ठीक नहीं नहीं है समझ आ गया सबको नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे चलो तो एक क्वेश्चन पूछते हो तुमसे यहाँ पे वैसे तो मेरे पास पड़े हैं क्वेश्चन लेकिन एक क्वेश्चन में फटाफट रैपिड फायर राउंड पूछते हूँ यहाँ पे सपोज जल्दी उठो बिना देखे आंसर देना है तुमने बिना देखे आंसर दोगे दोगे ना चलो मुझे ये बताओ फटाफट क्विकली क्विकली आंसर करना है क्विकली जो इंसेक्ट की गट होती है उसके अंदर कौन सा इन्वायरमेंट होता है एसिडिक या बेसिक एनवायरमेंट होता है चलो टेल में सिंपलेस्ट क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन चलो शाबाश शबर शब जल्दी बताओ हाँ शबर 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 इंसेक्ट के गट में कौन सा फेवरेबल कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं चलो टेल मी

हाँ, कौन सा जीन जो है कॉटन बॉलबॉम को मारने के काम आता है जो कॉटन को करता है चलो क्राई नहीं क्राई नहीं क्राई से काम नहीं चलेगा आई नो दैट दैट इज क्राई आगे आगे बोलो आगे 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 क्राई क्राई क्या बात कर और सी स्मॉल रखो तुम्हें मैंने अभी बताया जीन का जीन में पूछ रही तो सी स्मॉल रहेगा ये एमएनएम वाले बच्चे गलती कभी नहीं करेंगे ये ये फंडामेंटल मिस्टेक्स है कौन सा क्राई

हाँ, आ, ये ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आप कोई मिसमैच में आ सकता है कि वट आर द थ्री ऑर्डर्स ऑर्डर्स है ना ये तीन कौन से ऑर्डर्स हैं जिसके लिए जिसको मारने के लिए जो है का यूज होता है वॉट आर द्री ऑर्डर्स बताओ फटाफट फड़ से तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है? आपको कंफ्यूज करने के लिए वो चार पांच और चीजें डाल देंगे उसमें ठीक है तो अभी आपने पढ़ा है यहां पे यही पढ़ा है आपने इधर लेपिडोप्ट्रा एंड डिप्ट्रा ठीक है डन डन ना चलिए वेरी गुड क्या टाइम हो गया टाइम है हमारे पास में क्या क्वेश्चन कर लें क्या कर लें क्या कर लें बताओ क्या करें करे? आर एन ए आई आज कर लें या नेक्स्ट क्लास में करना है बताओ बिकॉज अब दो चैप्टर दो क्लास में इसको खत्म कर ही दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में आर एन ए आई कर लें आज आर एन ए आई टेल मी क्वेश्चंस करेंगे पोल ले लेते हैं ना यहाँ पे पोल, पोल दो मेरे को कि क्वेश्चंस तो तो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे मेरी मर्जी जैसी gene, आ, चलो यार आर एन इंट्रोडक्शन तो कर लेते हैं अगले अगले क्लास में भी मैं उसको स्टार्टिंग से पढ़ा ही दूंगी एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्राइजीन का नाउ

तो था। का से का मिल जाए यार क्या बात कर रहा है यार अभी अभी ढूंढना था यार तेरे को चलिए दो इसमें बना दिए थे ना इसमें बना भी सकती हूँ अभी तुम्हें तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ऐसे ये रहा चले करें क्वेश्चन क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारे ये थे दो हमारे चहीते साइंटिस्ट क्या नाम है इनका है ना ये बस इसको स्टोरी की फॉर्म में पढ़ लेंगे फिर अगली बार इसको दोबारा उठाएंगे बट अभी फिलहाल के लिए yeah. तो हमारे दो हमारे क्राउंड साइंटिस्ट है एक्चुअली उनको नोबेल प्राइज ही मिला था बाद में फायर एंड मेलो एल मेलो पता नहीं डब्ल्यू है कि नहीं है इसमें बट एनीवेज जो भी है तो इन दो महानुभाव साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या बोला उसने कि आ, यह जो आपको बैसुलिस थ्रू एंड जेनेसिस था बैसुलिस थ्रू जो बीटी मतलब आपका जो टॉक्सिन था वो काम करता था खाली इंसेक्ट्स पे लेकिन कई प्लांट्स को निमेटोड्स भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे निमेटोड समझते हो ना तो एस्क अभी पिछले पढ़ के आए हैं हम लोग एस्क होते हैं वो है ना तो एस्क उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि निमेटोड्स को मारा जाए ठीक है तो इन्होंने एक निमेटोड को मान लेते हैं कि एक निमेटोड है <laughs> दिस इज अ वन निमेटोड तो इस निमेटोड को इन्होंने क्या कराया एक वो खिलाया इन्होंने इसको डबल स्टैंडर्ड आर एन ए क्या खिलाया डबल स्टैंडर्ड आर एन ए सुनते जाना से। डबल स्टैंडर्ड आर एन ए डी एस मतलब डबल स्टैंडर्ड खिलाया इसको कैसे खिलाया हो हम बाद में बात करेंगे तो जैसे मैंने सोचा कि बर्गर में इसको खिला दिया है ना जैसे कि तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है लेकिन कुछ भी दो इसमें पता है कि हेल्दी नहीं है लेकिन तुम फटाफट उसको खा जाओगे ठीक है तो इस ये वाला आपका दिस इज नेमेटोड है ना अभी हम इसको ह्यूमन फॉर्म में बना दिया है क्योंकि आपको समझना है इसको इन्होंने से यार तू चल तू तुछ यार तो बर्गर में हम डबल स्टैंडर्ड आर एन ए खिलाएंगे तुझे, ले तू खा लेकिन माई डियर चिल्ड्रन इन्होंने क्या किया ये फायर एंड मैलो साइंटिस्ट साइंटिस्ट हैं तो ना इंटेलिजेंट थे इनको पता था डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जो है इस लिमिटोड की बॉडी के लिए नॉर्मल चीज नहीं है ये कुछ उत्पाद में जाएगा अंदर तो इसमें मजे मजे से खा तो लिया देखो खा लिया ना इसने तो खा लिया इसने अब ये इसके पेट में चला गया ठीक है अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एन यहां पे आके खड़ा देख रहा है कि अब मैं क्या करूं है ना गलत जगह आ गया हूं तो यहां पे इसकी निमेटोड की बॉडी में ही एक एंजाइम है डाइसर एंजाइम डाइसर एंजाइम क्या करता है आरएनए के इस बड़ी सी डबल स्टैंडर्ड चेन को छोटे 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 आरएनए में काट देता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं एस आई आर बोले तो क्या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए थी? तो दिया लेकिन अभी भी इसको चैन नहीं आया है अब क्या होता है डबल को, देख कर, को देख कर, हमारा जो एक हमारा मतलब हम भी तो ही है, है हमारा एक सी कॉम्प्लेक्स होता है, है जिसको हम लोग प्री आर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि अभी नॉर्मली इन एक्टिव फॉर्म में रहता है बोले तो क्या आर एन ए इंटरफेयरिंग सुनते जाना आर एन ए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको हम ठीक है ना इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई आर एन ए आ गया है तो आप उसको करा दोगे शांत ठीक है ना आर एन ए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स तो ये ना बेटा इसको ये ये प्री आर आई सी कॉम्प्लेक्स जो था ये सोया हुआ था कि अपनी बॉडी में आ गया क्योंकि अब हम लोग डबल स्टैंडर्ड को देखिए इतना फ्री है मतलब? क्या, की फ्री है इतनी? हमको ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसी वायरस का हो सकता है तो कोई वायरस आ गया हमारी बॉडी में तो इसको हटाओ ना यार यहां से ठीक है ना राइट right. समझ आया तो अभी वो क्या करता है आर कॉम्प्लेक्स जैसे ही एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेट होके इस डबल स्टैंडर्ड आर को पहले सिंगल स्टैंडर्ड आर बना देता है एक और दो ये देखे ना अब ये डी से क्या बन गया ये बन गया एस एस सिंगल स्टैंडर्ड बन गया अलग चेन अलग चेन अलग चेन डबल स्टैंड को हमने हटा के ऐसे बना दिया तो ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा ये ये क्लियर हो रहा है सबको क्या बोल रही हूं मैं क्लियर क्लियर हो रहा है सबको ये एम टेल यू या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड ये जो आर एन ए है बेटा ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है जो ये भी खुल गए हैं अभी ऐसे थोड़ी फिरते रहेंगे यहां पे अब ये क्या करेंगे जो इस निमेटोड का आरएनए था जो डीएनए एमआरएनए बना रहा था ऑलरेडी हमारे हमारी सबकी बॉडी में चलता है ये ये पे सिंगल पड़ा था अभी प्रोटीन बनाने ही जा रहा था ये डीएनए से MRN बनने की क्या कहते हैं इसको डू वी कॉल इट चलो गए डॉक्टर हमजा है भाई ये भी हमारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं बहुत बहुत मुबारक आपको हमजा याद है फिर बताओ फिर डीएनए तू ही बता दे फिर आज तो मैम आते ही पूछा आपकी क्लास लग जाएगी मैम की डीएनए टू एम बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉग इज वैश्वी वेरी गुड ईयर ऑफ सेकेंडरेशन हमजा बता दो हमारे बच्चों को फिर कुछ कोई टिप्स दे दो बता दो इनको भी थोड़ा सा कुछ कि क्यों लेक्चर लगाना जरूरी है यहाँ पे आना क्यों जरूरी है पढ़ना मैम से क्यों जरूरी है हमजा के लिए तालियां हो जाए भाई वेरी गुड वेरी नाइस खैर वेरी गुड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन तो आसानी से हो गई वेरी नाइस nice. लेकिन ट्रांसलेशन होने के लिए ये हो नहीं पाई बिकॉज उसके लिए सिंगल स्टैंडर्ड एम आर एन ए का रहना बहुत जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाहर से जो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए आया था इसको इसके साथ में जोड़ दिया इस एम आर एन ए ने अपने साथ में जोड़ लिया और क्या हुआ ये यहां पर इसकी जो ट्रांसलेशन थी नेक्स्ट स्टेप थी वो फेल हो गई इसके लिए इस, इस निमेटोड की बॉडी के लिए जो प्रोटीन जरूरी था बहुत जरूरी था वो बन ही नहीं पाया बिकॉज़ इसका डीएनए और एमआरएनए ये इसकी ये इसका डीएनए एमआरएनए था ये बाहर से आया है ये तो कोई जरूरी चीज ही बनाने जा रहा था ना लेकिन बना ही नहीं पाया क्यों क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आके यहां पे जुड़ गया और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया और ये निमेटोड अब मर गया समझ आ गया समझ आ गया सबको डन डन तो दैट्स व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंसिंग मैंने आपको छोटा सा ग्लिप्स दिया है ताकि आप चाहे इस कार्टून को ही देख लो इससे अच्छे से समझ पाओ तुम आई नो आई नो आई नो यू वर माय फर्स्ट यूट्यूब बैच आई थिंक है ना यूट्यूब पे मेरा पहला बैच था ये हमजा वाला सो गुड वेरी गुड आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइज मैंने बोला तो है तो बनोगे भाई बनोगे डॉक्टर तो निकलेंगे यहां से वो तो मैंने पता है तो ये डिपेंड करता तो तुम्हारी लेवल पे। मुझे आज तक ये बता दो आपको आर समझ में आया है आज तक मुझे बताओ या ऐसे किसने समझाया है तुमको मैं, मैं सब जानती हूं मैं ये भी जानती हूं कि आर एन ए इंटरफेरेंसिंग नाइनटी परसेंट बच्चों को नहीं आती है नाइनटी परसेंट स्टूडेंट्स दे

रिमेंबर मी मैम दिसम आई एम आई एम आई रिमेंबर एवरीबडी नताशा देवांश एम पवन और कौन कर रहे हैं समृद्धि ना हो रहा है हरमन या अभय सो दिस वे यू विल रिमेंबर इट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम तुम्हें याद रहेगा ये स्टोरी अच्छा मैम ने क्या बताया था मैम ने एक कार्टून बनाया था उसको खिला रही थी डबल स्टैंडर्ड आर ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को उसने छोटे छोटे पीसेस में काटा डाइसर ने तो उसके बाद में वो सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया था कैसे बनाया था सिंगल स्टैंडर्ड यहा आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स यार बत्ती जल गई दिमाग की आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स सिंगल स्टैंडर्ड अरे उसके बाद में क्या हुआ था अरे फिर ना एक अलग स्टोरी चल रही थी साइड में निमेटोड की बॉडी भी एम आर एन ने बना रही थी जो कि सिंगल स्टैंडर्ड था जो कि बेचारा एक प्रोटीन बनाने जा रहा था जो इसके लिए बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाहर से जो सिंगल स्टैंडर्ड आदमी आया था एम से जुड़ गया और आगे ट्रांसलेशन फेल हो गई और बना नहीं पाया इसलिए मर जाता है राइट right! तो देखो कितना मतलब इंटरेस्टिंग वे से आपको समझ में आ गया ये चीज आई एम ग्रेट बट मेरे को ये पता है कि मेरे को एक चीज मुझे अच्छे से करने आती है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है ये मुझे लगता है ये बख्शी हुई चीज है भगवान की चाहे वो तो म्यूजिकल चीजें पढ़ोगे और इस तरीके से फन वे में पढ़ोगे ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूं आप बहुत ही लंबे टाइम तक जाओगे ठीक है ना यहा समझ में आया मेरी बात को तो मेरे बच्चे इसको अपने से दिल के करीब रख के चलो बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी उन चैप्टर्स में से हो जैसे बड़े बड़ों के ना ऐसे वो कांपते हैं उनके पैर कांपते हैं हाथ कांपते हैं ठीक है तो तुम्हारे नहीं कांपेंगे अभी है ना नॉट से इतना अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा या आ रहा होगा तुम टीचर्स को आउटस्मार्ट कर सकते हो यहाँ पे और मेरे को भी एक दिन में समझ में नहीं आया मेरे को बहुत टाइम लगा इसको समझने में फिर समझाने में बच्चों को कि समझाया कैसे जाए इट टूक यर्स यर्स ऑफ प्रैक्टिस है हाँ. तो ऐसा सो दैट वॉज इट चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं ये तो हम कल कर चुके हैं ये ये भी हम कर चुके हैं वेट हाँ दिस ऑल्सो वी हैव डन दिस ऑल्सो वी हैव डन थर्टी पे आना ना मैं स्लाइड पे वेट हाँ ये भी कर चुके हैं हम क्वेश्चन नहीं बने हाँ ये <clears throat> चलिए तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चलो ये नीड 2021 में क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस गोल्डन राइस के लिए क्या जो है बिल्कुल सही है चलो शाबाश हमजा ऑल द बेस्ट बच्चे बी अ गुड डॉक्टर सर्व पीपल

डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है रे डाइसल्फाइड अभी पढ़ेंगे कोई बात नहीं चिंता नहीं करो है ना चिंता नहीं करो पढ़ेंगे इसको भी आगे हम ये बताओ ये ये भी तुमने पढ़ा बीटी बीटी कॉटन द टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव टॉक्सिन इज ड्यू टू बताओ कैसे होता है इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव में कैसे बदलता है चलो शाबाश नताशा ए दिवंश ए मनोज ए पवन ए वैष्णवी ए नहीं यार बी होगा देखो तो सही ढंग से हाँ देखो 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 ढंग से देखो आंसर क्वेश्चन इज ए अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट बढ़िया वेरी गुड आंसर प्राउड ऑफ यू है जो पढ़ा है कम से कम उसके थोड़ा सही आंसर दे रहे वेरी गुड एल्कलाइन पीएच है ना इंसेक्ट की गट का एल्कलाइन पीएच ओके वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन

हाँ? देखा जाए फिर वेरी गुड रूट इज अ करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी नाइस रूट इज अ करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन भी आपका पी वाई है इसका ईयर नहीं लिखा यहां पे ये सारे पीवाई क्यूज है पी हा हाँ? अच्छा ये भी कदर हो गया ये मुझे बताओ आरएनए इंटरफेरेंसिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आर एन ए आई या आर एन ए इंटरफेरेंसिंग का क्या रोल है बताओ शाबा जल्दी बताओ नीट दो हजार बीस का क्वेश्चन है ये टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस टू डेवलप अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इन्फेस्टेशन टू मिनरल इन यूजेज को एनहांस करना या पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करना कितना ईजी क्वेश्चन है ये चलो चल तल मी चल मी चल मैं कब वैष्णवी कहते हैं मैम बी देवांश कहता है बी है म्यूजिक विद प्रियांशु बी है हरमन ए है तो जान के गलत लिख रहा है क्या हरमन कल्पना बी है अवे पांचल भी है बिल्कुल सही जवाब आंसर इज बी ओनली अभी अभी पढ़ा ना पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट ऐसा कुछ बना दो प्लांट को कि प्लांट को अगर वो निमेटोड खाए तो खुद ही मर जाए प्रोसेस उसमें भी वही होगा एग्रोबैक्टीरियम को ही लेंगे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाजमेंट में ही डालेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो जाके डिलीवर करेगा और फिर ओनी में आके उसको खाएगा और उसके अंदर डबल आ रहे बाकी की कहानी आपको पता है आगे कि कैसे वो टूटता है कैसे क्या होता है ठीक so, uh, है सो दैट वॉज इट फॉर टूडे एंड आई थिंक यही है बाकी और तो नहीं है कोई ये तो हमने कर लिया है ना हल्के लाइन पी ये बता दो मुझे नहीं ये तो हो गया डन हाँ, इसका क्वेश्चन का दो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है नाउ टेल इंसेक्ट प्रेडेटर्स के लिए इंसेक्ट पेस्ट के लिए बताओ 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 ध्यान से आंसर देना इसका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लास्ट के दो ऑप्शन में हाँ इंसेक्ट पेस्ट के लिए या इंसेक्ट प्रिडेटर्स के लिए शाबाश जल्दी बताओ शाबाश शाबाश शब शबश हिटी हाँ। वॉटम किसके लिए तो लॉक कर दिया जाए आनंद राज कहता है डी है है कादिर सी कहता है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज डी इंसेक्ट पेस्ट के लिए प्रिडेट नहीं बेटा है ना प्रिडेट नहीं पेस्ट के लिए पेस्ट है ना वो तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए हैं जो है इसको करता है पेस्टी बोलते हैं हम लोग इसको इंसेक्टिसाइड्स हो गया पेस्टिसाइड्स हो गया अब उसमें Pests में फिर अलग अलग होते हैं जैसे पेस्ट चूहे भी हो सकते हैं रोडेंट्स तो तो है मतलब चूहे के लिए हो गया ठीक है ना फिर निमेटोड्स के लिए हो गया तो लाइक तो इंसेक्ट पेस्ट है ठीक है ना मजा आ गया चलो बहुत बढ़िया फिर मजा तो मजा तो आना ही चाहिए यार यहाँ पे हो तो फिर मजा तो आएगा ही फिर तुम्हें दैट वॉज इट फॉर टू आज के लिए इतना ही काफी है अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे जो कि कल ही होगी <coughs> और कल हम लोग क्वेश्चन uh, भी सॉल्व करेंगे पी क्यूज करेंगे इसके नेक्स्ट में हम लोग दिल की बात सेशन पे मिलेंगे दिल की बात सेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का हॉलिस्टिक ग्रोथ होना बड़ी जरूरी है हॉलिस्टिक ग्रोथ का मतलब है कि खाली पढ़ाना पढ़ाना ही नहीं एक इंटरेक्शन ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी जाए सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना और uh, मैं अपनी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन क्या दे सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा तो वो मैं आपको सोल्यूशन दूंगी प्रॉबेबली हमारा सैटरडे को होगा वो सेशन संडे को मेडिटेशन होगा ठीक है सो दैट वॉज इट फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच एंड माई डियर चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एम एन एम फोर्टीन के स्ट्रॉन्ग फैमिली और uh, बेस ऐसे ही इस चैनल से बाकी लोगों का फ़ायदा होता रहे डॉक्टर्स बनते चले जाएँ बने भी हैं ऑलरेडी और आगे बनेंगे भी आई नो दैट आपको पता है मैन ने जब स्टार्ट किया था स्टिल इज वन वुमेन आर्मी है कोई कहीं से ज़्यादा कोई सपोर्ट मिला नहीं है सो फॉर एंड जो भी सपोर्ट मिला वो बच्चों से ही मिला है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सो थैंक यू सो मच बच्चों एंड दैट दैट्स इट बट और ज़्यादा कुछ है नहीं आई एम सो सो ग्रेटफुल है ना तो थैंक यू सो मच बच्चों और कल मिलते हैं बिल्कुल आ, कल इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे आठ बजे ही मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी कल ही आपको बता दूंगी अगला चैप्टर हम कौन सा शुरू करने वाले हैं बाकी आप जो चाहते हो कि आप अगर अपनी तरफ से कोई चाहते हो कि मैम ये वाला चैप्टर शुरू करो तो आप कॉमेंट बॉक्स में दिख दो आज कमेंट बॉक्स में फिर देखूंगी मैं कॉम्प्रेहेंड करूंगी मुझे लगा कि आपके लिए सही है वो चैप्टर तो अगला वो मैं करूंगी अदरवाइज जो मैंने सोचा है मैं वो करूंगी ठीक है लाइव टाइमिंग आठ बजे है एवरी डे एट पी एम कुछ भी हो जाए आंधी तूफान आ जाए हम लोग आठ बजे मिलते ही मिलते हैं यहाँ पे ठीक है कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना ठीक है थैंक यू वेरी मच लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी एंड कीप शाइनिंग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना और बुक अगर नहीं ली है तो ले लेना उसका चाहे एम टी जी ले लो चाहे ओस ले लो दोनों ही अच्छी बुक्स हैं थर्ट सिक्स ईयर थर्टी थ्री ईयर्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें मैं भी इनफैक्ट वही यूज़ करती हूँ और अच्छा है उसमें सब दिया हुआ तो आर एन ए आई पे बी टी गार्डन पे सोने से पहले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना आज ठीक है डन डन हो गया चले फिर तो यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अच्छा लगा इस चैनल का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो मिशन मतलब मिशन तो नहीं बोलूंगी मैं इट इज़ नॉट मिशन बट या लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड टू द मेडिकल वर्ल्ड थैंक यू सो मच बाय 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 मिलते हैं कल चलो अभी कुछ खा पी लो ठीक है ओके बाय 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 कॉमेंट बॉक्स में लिख देना अगले चैप्टर का नाम जो भी चाहिए तो उनको